ये है ऑब्जर्वेबल कायनात, यानी कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख पाते हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से शायद गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.00001% हिस्सा है। आज की इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम अपनी कायनात के सिर्फ इतने परसेंट हिस्से को ही ढूंढ पाए हैं, और कायनात का बाकी हिस्सा 99.99% है। ये हिस्सा कितना बड़ा है, इसके अंदर क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन पुराने पाक में 7 आसमानों का जिक्र है, जिस तरह सूरह अल-नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इशार फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर मजबूत 7 आसमान बनाए। और एक और सूरह इसरा में अल्लाह ताला इशार फरमाते हैं, 7 आसमान और 7 जमीन और जो कोई इनमें है सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जो इसकी हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो पुरतपार बख्शने वाला है। और कुरान पाक में 200 जगह पर इन 7 आसमानों का जिक्र है, लेकिन साइंस अभी इन्हें साबित नहीं कर पाई। हो सकता है कि आने वाले वक्त में करे। लेकिन बहुत सारे लोग हर आसमान को एक कायनात कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने 7 कायनातें बनाई। इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुरान पाक में इन 7 आसमानों के साइज के बारे में बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि हर आसमान एक कायनात है। तो अभी हम कुरान पाक के हवालों और साइंसदानों के नजरिया से देखेंगे कि ये 7 आसमान कहाँ हैं और ये कितने बड़े हैं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि अभी तक साइंसदानों ने कायनात के 0.0001% हिस्से को ही ढूंढा है। बाकी का हिस्सा कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ये बात आप जान लें कि हमारी कायनात हर साल 0.65 लाइट ईयर जितनी हर डायरेक्शन में फैल रही है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में हमने कायनात का जो हिस्सा ऑब्जर्व किया है वो और भी छोटा हो जाएगा, और बहुत सारी गैलेक्सीज उस हिस्से से बाहर चली जाएंगी, और हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। यानी हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी कायनात के बाहर क्या है, और पहला आसमान कहां पर है, और वो कितना बड़ा है। लेकिन कई साइंसदानों ने बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं, जहां हमारी कायनात खत्म होती है उसके बाहर हमारी कायनात जैसी और भी कायनातें हो सकती हैं, और इस तरह की कई लाखों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हैं, और कई लाखों मल्टीवर्स मिलकर एक आसमान बनाते हैं जो हमारा पहला आसमान है। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइंसी नजरिया है। तो इससे ये साबित होता है कि हर आसमान एक कायनात नहीं है, बल्कि एक आसमान में कई कायनातें हो सकती हैं, जिसकी तादाद के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पहले आसमान का नाम रुकैया है। ये दूध से भी ज्यादा सफेद है। यहाँ पर हजरत आदम अलैहि सलाम मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे आसमान की, जिसका नाम फिदौम है, और ये लोहे का बना हुआ है जिससे रोशनी की किरणें निकलती हैं। यहाँ पर हजरत ईसा अलैहि सलाम और यहिया अलैहि सलाम मौजूद हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये आसमान कितना बड़ा हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी रेगिस्तान के अंदर एक अंगूठी मौजूद है। तो जरा सोचिए, इतने बड़े रेगिस्तान में उस अंगूठी की क्या औकात होगी, और दूसरे आसमान में पहले आसमान की औकात भी उस अंगूठी के बराबर है। इसी तरह से दूसरे आसमान की हैसियत भी तीसरे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी के बराबर है, जिसका नाम मलकोट है, जो तांबे का बना हुआ है। यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम रहते हैं, और इसी तरह बाकी आसमान भी एक दूसरे से इतने ही बड़े हैं, जिनके साइज के बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। चौथे आसमान का नाम सहरा है, जो सफेद चांदी से बना है। यहाँ हजरत अदरीस अलैहि सलाम मौजूद हैं। पांचवे आसमान का नाम मसीना है, जो सुरख सोने का बना हुआ है। यहाँ पर हजरत हारून अलैहि सलाम मौजूद हैं। छठे आसमान का नाम खालसा है, जो चमकदार मोतियों से बना हुआ है। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहि सलाम मौजूद हैं। और आखिरी आसमान का नाम लाबिया है, यह सुर्ख याकूत का है। इसी पर बैतुल मामूर मौजूद है, जो जमीन की तरह का एक काबा है, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले उसकी दोबारा जिंदगी भर पारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे जुदा बनाया है। जब क़यामत आएगी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जन्नत और जहन्नम मौजूद रहेगी। जन्नत के भी 7 दर्जे हैं।
जो सियारों की तरह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, इसके पास सिदरतुल मुंतहा है और इन 7 आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सहरा में पड़ी हुई एक अंगूठी के बराबर है। तो जरा सोचिए हमारा अल्लाह कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। ये थे 7 आसमान जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। आप इनके बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि दिल की धड़कन थाम लें, क्योंकि अब यह तस्वीर आने वाली है उसे देखकर आपके दिल की धड़कन तेज होने वाली है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप हमारी स्पेन से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को यहाँ पहुँचने में 1 माह लगा। और इतनी दूरी से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर खींची जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये न्यूयॉर्क में मौजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तस्वीर है जिसे 11 जुलाई को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से रात के वक्त खींचा है। जब मैंने इस तस्वीर को पहली बार देखा तो मेरा दिमाग भी घूम गया। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत ही करीब से खींचा गया है, लेकिन इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 15 लाख किलोमीटर की दूरी से खींचा है, जो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। ये इसकी एक और तस्वीर है जिसे अर्ली सुबह के वक्त खींचा गया था। इतनी दूरी से इतनी डिटेल तस्वीर को खींचना वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की जिसे बहुत पहले कैप्चर किया गया था। ये एक स्टार की इमेज है जिसका नाम 2 मास J17554042 प्लस 655127 है। ये नाम इसे कोऑर्डिनेट के तौर पर दिया गया है। ये एक रेड जॉइंट स्टार की इमेज है। ये स्टार हमारी स्पिन से 2000 लाइट ईयर दूर मौजूद है जिसे हम किसी भी टेलीस्कोप से हमारी स्पिन से आसानी से देख सकते हैं। ये एक ऐसा स्टार है जिसने अपने ईंधन को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया है। वक्त के साथ साथ बड़ा होते हुए ये एक रेड जॉइंट बन गया है और ये अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी ये स्टार कभी भी फट सकता है। ये बात आप जान लें, इस स्टार से निकलने वाली लाइट को हमारी स्पीड तक आने में 2000 साल लग जाएंगे। यानी जब हमें पता चलेगा कि ये स्टार फट चुका है तो इसे फटे हुए 2000 साल हो चुके होंगे और ये फटकर एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो चुका होगा और इसके आसपास एक प्लैनेटरी नेपुला बन चुकी होगी जैसे इस तस्वीर में बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।